Hello dear friends, come into the class. Today we will see the molecularity of reaction in chemistry first paper, that is chapter name is Chemical Kinetics, molecularity of reaction, अभिक्रिया की आणविकता। ये हम लोग देखेंगे। तो हमारी टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होती है? अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणुओं के बीच सीधी टक्कर के द्वारा, अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणुओं के बीच में सीधी प्रभावित टक्कर के द्वारा, है ना, अभिक्रिया आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अभिकारक अणुओं की वो संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। और अभिक्रिया में अभिकारक के वे अणु, अभिकारक के वो अणु जो जो सीधी टक्कर, सीधी कौन सी टक्कर? प्रभावी टक्कर में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और जिनके टकराने के परिणाम स्वरूप, जिनके टकराने के परिणाम स्वरूप, जिनके टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्पाद के अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अभिक्रिया में सीधी टक्कर में भाग लेने वाले अभिकारक के उन अणुओं की संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया में सीधी टक्कर में भाग लेने वाले अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आपकी क्या कहलाती है? अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कही जाती है। आइए लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या कहा? एक अभिकारक और ये क्या बना? उत्पाद। जब एक ही अभिकारक के अणु क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं और उत्पाद के अणुओं का निर्माण कर देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? डिसोसिएशन रिएक्शन या विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया में अपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था? एक ही अभिकारक के अणु क्या करते हैं? गर्म करने पे, उत्प्रेरक देने पे दो या दो से अधिक उत्पाद के अणुओं में क्या कर जाता है? कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ पे अभिकारक के कितने अणु? एक ही अणु। तो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? एकाणुक अभिक्रिया या मैंने एटमिक रिएक्शन कहलाएगी। तो जो अभिक्रिया यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे? एक अणुक अभिक्रिया, मोनो एटमिक रिएक्शन, मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? जो अभिक्रिया एक एक्टिवेटेड अणु के वियोजन, जो अभिक्रिया एक सक्रियित या एक्टिवेटेड अणु के विघटन
एक फल, एक सक्रियित, सक्रियित अणु के विघटन के फलस्वरूप होती है क्या कहलाएगी, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एकाणुक अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, कितने भाग ले रहे हैं, एक, तो एक हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया की आणविकता मतलब क्या, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, कितनी होती है, एक होती है। दूसरी आपकी अभिक्रिया क्या आ जाएगी, द्विअणुक अभिक्रिया। इसको आप क्या कर दो, नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि आप लोग याद रहेगा। दूसरा क्या हो गई, द्विअणुक अभिक्रिया, क्या बोलोगे, डाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, डाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या होगी, जो अभिक्रिया अभिकारक के दो अणुओं के बीच में क्या होती है, सीधी टक्कर। एक ही अभिकारक के दो अणु आपस में क्या कर जाए, टकरा जाए, और टकरा करके अणुओं के बीच की बॉन्डिंग क्या कर जाए, टूट जाए। क्योंकि आप जानते हो कि अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। तो जो अभिक्रिया, जो अभिक्रिया अभिकारकों के दो अणुओं के बीच सीधी टक्करों के परिणाम स्वरूप, सीधी कौन टक्कर, प्रभावी नहीं बोलोगे, प्रभावी टक्कर, अंग्रेजी में क्या बोलोगे, इफेक्टिव कोलिजन मतलब टकराना, इफेक्टिव कोलिजन के क्या होगी, परिणाम स्वरूप होती है क्या कहलाएगी, द्वि अणुक अभिक्रिया कही जाएगी। आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी, दो, आणविकता हो गई इसकी दो, ठीक है। अब ये आपकी द्वि अणुक अभिक्रिया दो तरह की, या तो एक ही अभिकारक के दो अणु टकराए जाए, तो ये आपका क्या बन गया, ए प्लस ए इक्वल टू क्या बन गया, उत्पाद। तो यहाँ पे इसकी आणविकता कितनी हो गई, दो हो गई, ठीक है, आणविकता दो। अगर दूसरी सिचुएशन क्या होगी, ये अलग अलग अभिकारक हो, है ना, और इनके अणु क्या कर रहे हो, सीधे टकरा रहे हो, है ना, सीधे टकरा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका ए भी बन गया। तो एक अणु तो इसका और एक अणु इसका, है ना, कुल कितना हो गया, कुल अणुओं की संख्या, कुल प्रभावी टकराने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो गई बेटा, अणुओं की संख्या कितना, एक अणु ए का और एक अणु बी का सीधे टकरा रहा है, तो अणुओं की संख्या दो, इसलिए इसकी आणविकता मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो हो गई। इसके बाद क्या होगा, त्रि अणुक अभिक्रिया, त्रि अणुक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा, वो अभिक्रिया जब अभिकारक अणुओं के तीन अणुओं के सीधी प्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप होती है, तो आपकी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगी। तो जो अभिक्रिया, जो अभिक्रिया अभिकारकों के तीन अणुओं के
सीधी प्रभावी टक्करों के परिणाम स्वरूप क्या होती है? संपन्न होती है वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? त्रिअणुक अभिक्रिया। और इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पे क्या किया? ए प्लस क्या 2B। अभिकारक ए का 1 अणु और अभिकारक बी का 2 अणु, ये कैसे टकराएंगे? ए प्लस बी। यानी क्या? इधर देखो, ए से है, एक इधर से टकराया और एक इधर से टकराया। कितने टकरा रहे हैं? कैठो टकरा रहे हैं, 3 एक इधर से टकराए। कितने? 3। इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी? 3। मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगले वीडियो लिंक में हम लोग अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अभिक्रिया की आणविकता में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा करें। बहुत ही जल्दी मेरा अगला वीडियो लिंक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर के ऊपर जारी होगा। धन्यवाद।